हाय दोस्तों, जब सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में जब स्पिन अपने आप ड्रम उसका हिलने लगे तो उसमें क्या हो सकता है। ये गोदरेज एक्सेस मॉडल है, 10 केजी की मशीन है। अब हम इसके पीछे का पैनल खोल के देख रहे हैं। अब हमारे पीछे का पैनल खुल गया है। हम नीचे के हिस्से में देख रहे हैं, नीचे के हिस्से में हमारी कपलिंग टूटी पड़ी है। अब इसकी हम ब्रेक वायर को निकाल लेंगे। अब हम ऊपर का पैनल खोल ले रहे हैं। यह हमारा पैनल खुल गया है और ड्रम को हम ऊपर बाहर निकाल ले रहे हैं। ड्रम हमारा निकल गया। अब देख रहे हैं बफर तो हमारा नहीं फटा हुआ, बफर हमारा टूट गया। अब हम इसकी बॉडी को खोल ले रहे हैं। अब हमारी बॉडी ओपन हो गई है। अब हम सबसे पहले इसकी कपलिंग को, इसके नट को खोल के निकाल ले रहे हैं। अभी हमारी कपलिंग निकल गई। अब जो प्लास्टिक का हिस्सा बच गया इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। इसको हल्का गर्म करके अच्छा निकाल दें। अब हम इसकी नई कपलिंग इसमें फिर बैठा देंगे। हल्का ऊपर से ठोक दे रहे हैं, ये बैठ जाएगी। फिर इसके हम नट को टाइट कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हमारी कपलिंग अच्छी तरीके से लग गई है। अब इसकी बॉडी को हम फिर से बांध दे रहे हैं। अब हमारी बॉडी पूरी कंप्लीट बन चुकी है। अब ऊपर का ड्रम हम लगा दें। ड्रम को इस हिसाब से बैठाया जाए कि ताकि अंदर का बेलो फटने न पाए। ये हमारा सेंटर में पूरा बैठ गया। अब इसको हम अच्छी तरीके से नट को टाइट कर दे रहे हैं। नट टाइट होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम इसके ब्रिक को भी लगा देंगे। ब्रेक लगाने के बाद में देख ले रहे हैं कि ये घूम रहा है सही कि नहीं घूम रहा, कि ब्रेक फंस तो नहीं रहा है। फिर ऊपर का पैनल ही हम लगा दे रहे हैं। पैनल को हिसाब से लगाया जाए ताकि कायदे बैठ जाए, टूट नहीं पाए। अब इसके हम कनेक्शन वायर को फिर एक पन्नी में करके अच्छी तरीके से बांध दे रहे हैं ताकि इधर उधर तार न जाने पाए। अब हम इसके पीछे का पैनल इसको लगा दे रहे हैं। ये देखना है कि लॉक टूटने ना पाए। ये पैनल हमारा अच्छे तरीके से लग गया। अब हम सप्लाई देके इसको चालू करके देख रहे हैं। ये देखिए हमारा अच्छी तरीके से चल रहा है, ना कोई वाइब्रेट है ना कुछ है। मशीन अच्छी तरीके से चल रही है। भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।